उसके बाद जितना हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ये आपका सिट एंड रेस्ट टेस्ट है, जिससे कि हम बॉडी की मसल फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्टैंडिंग ब्रॉड का ये है आपका, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं ये, ठीक है। ये जितना आप डिस्टेंस आप जंप करते हैं उसी के अनुसार आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस असेस होती है, नॉर्म्स। देखिए चलो, आपको बेस्ट ऑफ थ्री चांसेस दिया जाता है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार आपका सिस्टम। चलिए जंप करके एक बार दिखाइए, हाँ। इससे आपकी लेग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। एक सफिशियल पार्टिसिपेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन एज वेल एज फिनिशिंग लाइन। ये क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्लैप करेंगे ही विल गो अप टू देयर, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, अगेन ही विल कम, ठीक है, एंड अगेन ही विल गो एंड एट लास्ट। आपको क्या करना है, जो लास्ट लाइन होता है उसके आपको नियरर हैंड जो आपका आएगा, चाहे आप इधर से जा रहे हैं तो राइट हैंड होगा, इधर से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड, जिससे क्या होगा कि आपकी टाइमिंग मतलब कम आएगी, ठीक है, समय कम लगेगा। चलिए रेडी गो, फास्ट फास्ट, जितना एज एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज एकदम। बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट में तीन फिटनेस टेस्ट में आपको तीन टेस्ट वीडियो बनना था, एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो अभी मैं आपको करके दिखाया, ठीक है, जिससे क्या होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और एक होता है जिगजैग रनिंग, ठीक है, जिगजैग रनिंग आपको कैसे करना है, एक जिगजैग रनिंग का स्टेशन बनाया हुआ है, जैसे ही कमांड होगा, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विल स्टार्ट, ठीक है, अगेन, वेरी गुड, कम ऑन, और उधर से स्ट्रेट आना है, इधर इधर स्ट्रेट, हाँ, देयर देयर, यस शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, देयर, बहुत बढ़िया, यस, हियर यार यार यार, फिर वहां से डायरेक्ट यहां आ जाना है, शाबाश, एंड हियर प्लीज, हरिया हरिया, शाबाश, ए वो किधर, और उसके बाद जंप मतलब थ्रो करना है, देना है, हां हमारा इधर, ठीक है, बट अब डिस्टेंस होगा, चलो फिर आप कर दीजिए, नहीं है ये है, ओ जा, ठीक है, चलो एक एक करके फेंकेंगे, ट्रिपल ना, पैर नहीं उठना चाहिए, आपकी आर्म में, आप में, आपके हाथों में कितनी ताकत है, आपके कंधा में कितना ताकत है, उससे आपका ऐसे रखिए और थ्रो, ये ऐसे पोजीशन पत्रा तेरा सखाने से ऐसे थ्रो करते हैं, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज का ध्यान रखना है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, बहुत है ना, ये मेडिसिन बॉल हो गया, ठीक है, ठीक है, जो फॉर्मूला कि आपकी हार्ट बीट क्या होगा, यहां पड़ जाएगा, 1 मिनट का रेस्ट देंगे, तो भी पल्स में कुछ ना कुछ नॉर्मल पल्स रेट से
पहला टेस्ट आइटम है रेकली जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये टेस्ट जो स्पेशली जो डिजाइन किया गया है, दिस टेस्ट इज डिजाइन फॉर द सीनियर सिटीजन पीपल, दोज हु आर 60 एंड अबव। ठीक है, यू नो दैट इन एज ऑफ 60 इयर्स इवन दे विल बी नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, इवन दे विल बी नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, बैठने में खड़ा होने में दिक्कत होगी। नॉर्मल जैसे हम लोग खड़े हो सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं, उस तरीके से उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस आ जाता है। एज के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ठीक है, इंड्योरेंस हो गया, स्पीड हो गया, सारी चीज़ें कम होने लगती है। तो उसी में उसमें रेकली जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम है, सिक्स। पहला है चेयर स्टैंड सीट एंड स्टैंड टेस्ट, ये पोजीशन रहेगा। आप एक मिनट में कितने करते हैं, तुझे उठाइए ना सर, तू बोलते ये ऐसे करना है। आर्म कल टेस्ट किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ है बैक स्ट्रेच टेस्ट, इस तरीके से सभी लोग करिए एक बार बैक स्ट्रेच टेस्ट, एवरीबडी। लेकिन 60 साल की उम्र में जब आप रहेंगे तो इतना आसान नहीं, जो मेरे को तो अभी तो नहीं। बैक स्ट्रेच टेस्ट, ठीक है, विसिल बजेगा, यहाँ से जाएगा बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी होगा तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, अभी यहाँ जाना है, भी चाहिए। ठीक है, सीनियर पीपल सीनियर सिटीजन पीपल विल वॉक इन दिस रेक्टेंगुलर एरिया, क्लियर। 6 मिनट तक, अप टू 6 मिनट्स यू विल रन, या इफ यू वांट टू रन यू कैन आल्सो रन। चलो कम ऑन शाबाश, फॉर 6 मिनट्स। इस तरीके से टेस्ट एंड मेजरमेंट के सारे टेस्ट ओके फिनिश हो गए। चलो 6 मिनट तक वही है।